अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज दावत व्लॉग है। आज मैंने करनी है दावत की तैयारी, क्योंकि मेरे मैके आ रहे हैं, और जब मैके वाले आएंगे तो फिर ज़ाहिर है मैं उसी तरह की दावत करूँगी और शानदार किस्म की। तो उससे पहले मैं किचन में आई तो मैंने कहा अपने आप को ज़रा तैयार करूँ, तो बस यही था कि मैं पहले चाय अच्छी सी बनाऊँ और चाय पीऊँ, उसके बाद फिर अपने काम की तरफ आऊँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ आई तो ये मेरा जार खाली था, तो मैंने कहा इसको रीफिल कर लूँ, और इसमें मैंने ये जो पैकेट है खोला और इसमें डाला, और उसके बाद फिर चाय बनाने की तैयारी की। चाय पीने से ये होता है, मुझे ऐसे फील होता है कि जो बॉडी में सुस्ती है ना, या जो थकावट है ना, वो ख़त्म हो जाती है और मैं अब काम करने के लिए तैयार हूँ। तो बस मेरी थोड़ी कोशिश होती है कि मैं भी इस तरह के थोड़े काम करूँ कि सारे काम भी हो जाएं और थकावट भी ना हो। तो सबसे पहले चाय की तरफ आ गई, और वही पहले मैं पानी रखा है, फिर उसमें पत्ती डाली है कि ये कहवा बन जाए अच्छा सा, और जब कहवा बन गया इसमें फिर और पत्ती डाल दी, क्योंकि थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली अच्छी लगती है मुझे। तो उसके बाद फिर इसमें दूध डाल के तो इसको उबाल के, तो फिर ज़ाहिर है बाद में मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डाल लूँगी, और मेरी चाय तैयार है। ये देखें कितना अच्छा कलर और कितनी खूबसूरत चाय है। तो बस आज का व्लॉग चाय से स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा, मुसलमान का ना, मुसलमान पे 5 हक हैं, मुसलमान का एक दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं, हकूक हैं जो अदा करने होते हैं। एक तो होता है सलाम का जवाब देना, और दूसरा है दावत का कबूल करना, तीसरा है छींक का जवाब देना, चौथा है जनाजे में जाना, और पांचवा है मरीज़ की मिजाज पुरसी करना। मैंने शायद आगे पीछे कर दिए, पर ये 5 हैं। अच्छा, ये है कि सलाम का जवाब तो ज़रूर देना है, उसके बाद जो दावत है ना, तो जब कोई दावत पे बुलाए तब भी ज़रूर जाना चाहिए, और उससे बढ़ के कि जब हम किसी की दावत करते हैं तो पूरे खलूस से, मोहब्बत से, पूरे अहतमाम से दावत करनी है। तो मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि जब भी मैं जिसकी भी दावत करूं, बड़े अहतराम से, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से मैं खाना बनाऊं, ताकि अगले भी खाने वाले को मोहब्बत जो है ना वो नज़र आए। और उसके बाद फिर जब किचन में दोबारा आई तो ये मुझे यहाँ पर खाली नज़र आया, क्योंकि इसकी फिर बड़ी अशद ज़रूरत होती है साथ साथ। तो इसको मैं फिर दोबारा से लगा लूँगी, ताकि फिर जब जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़े टिशू की, तो फिर मैं इसको इस्तेमाल में ला सकूं। तो ये खोल के इसको दोबारा मैं लगा लूँगी यहाँ पर। अच्छा, ये इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है, क्योंकि बार बार हाथ को साफ़ करना होता है, शेल्फ़ को साफ़ करना होता है। तो बस ये है कि यहाँ से उतारा, अपना काम किया, और बस डस्टबिन में इसको डाला। तो ये बड़ा ही आसान वाला काम मुझे लगता है, तो बस इसको ही मैं लगा लिया। उसके बाद फिर खाने की तरफ आ गई। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल रखे ताकि चावल बन जाएं, उसके साथ मैंने ये सब्ज़ी बना ली थोड़ी सी, उसके साथ फिर करेले बना लिए थे, करेले आलू भाई हमारे घर में तो बड़ी खुशी से खाए जाते हैं। उसके बाद फिर पुलाव है, ज़ाहिर है पुलाव जैसे बनता है, पहले यखनी बना ली थी, उसके बाद फिर तड़का लगा लिया, फिर चावल धुले हुए इसमें डाल लिए, अब इसको जो है स्पाइसेस डालना शुरू किया है। इसमें मैंने पहले नमक डाला है, अब इसमें ये दादर मिर्च जो होती है जिसको चिली फ्लेक्स कहते हैं, ये डाल लूँगी। उसके बाद फिर हल्का सा 7-7 चम्मच भी लगाते रहेंगे ना, ताकि चावल खिले खिले भी बने और उसके बाद अच्छे भी लगे। उसमें फिर टमाटर जो है ना ये डाल लूँगी, और फिर इसको हल्की आंच पे दम पे रख लूँगी। अच्छा जी, इसमें मैंने जो है ये टमाटर और हरी मिर्ची भी डाल दी। हरी मिर्ची मैंने कभी काट के नहीं डाली, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा स्पाइसी हो जाता है, तो मैं साबुत ही इसमें डाल लेती हूँ। अच्छा, इसको दम पे रख दिया, दम पे लगा दिया ताकि अच्छे से अंदर से भी पक जाए। जब ये पक गए तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी शक्ल, और पुलाव जो है वो ऐसे ही लाइट लाइट सा और खिला खिला ही अच्छा लगता है। तो ये हमारे यहाँ पर ये चावल तैयार हैं। अब साथ सैलड तैयार कर लेंगे, सैलड को काट लेंगे, क्योंकि खाने के साथ सलाद जो है ना वो अपना ही मज़ा देता है, और वैसे भी डाइनिंग टेबल जो है ना सलाद के बगैर अधूरा होता है। तो मैं तो ज़रूर सलाद बनाती हूँ, और यहाँ पर मैंने सलाद भी तैयार कर लिया। उसके बाद फिर साथ दूसरी हंडिया के गोश्त का थोड़ा सालन भून लिया था, तो वही बस जल्दी जल्दी वाले सारे काम हैं। प्याज लहसुन अदरक डाल के, साथ गोश्त डाल के, तो मैंने
उसको प्रेशर कुकर लगा लिया, और दूसरी साइड पे मैंने ये फ्रूट सैलड साथ थोड़ा सा बना लिया था कि थोड़ा सा फ्रूट सैलड भी होना चाहिए। और ये सादा सा सिंपल सा मैंने इसको काट के इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के मैंने इसको रखा, और इसको बाउल में लगा के मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर ये फ्रूट सैलड भी तैयार है और वेजिटेबल सैलड भी तैयार है, तो यहाँ पर ये दोनों। और उसके साथ फिर मैं गोश्त को भी देख लूँगी। इसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, नमक मिर्ची और हल्दी डाल दिया था, और गरम मसाला जो है ना जब मैंने इसको गलाने के लिए रखा था उस वक्त ही डाल दिया था। अब इसको साथ साथ भून लेंगे घी डाल के, उसके बाद फिर इसमें आलू डाल देंगे। जब ये देखें कि अच्छे तरीके से भून गया है, इसका गोश्त का जो है और आयल जो है दोनों चीज़ें लैदा लैदा हो गई हैं, तो फिर इसमें हम ये आलू डाल देंगे, और आलू को डाल के इसमें थोड़ी देर भूनेंगे। इसके बाद फिर जब ये अच्छे तरीके से भुन जाए तो फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। तो पहले ये देखें कि ये आलू और ये जो गोश्त है ये मिक्स हो रहा है, और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, और जब ये भून जाएगा तो फिर इसमें पानी डाल देंगे। तो इसके बाद फिर इसकी लिड लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि अब खाना सर्व करना है, खाना लगाना है, तो बर्तनों में चीज़ें लगानी शुरू की थी मैंने। तो यहाँ पर ये ब्रोस्ट मार्केट से ही आ गया था, तो ये मैंने ट्रे में लगाया। उसके बाद फिर रायता वगैरह था, चावल थे, इनको ट्रे में लगाना शुरू किया, और उसके बाद फिर ट्रॉली में लगा के तो फिर हम डाइनिंग टेबल पर इसको सेट कर देंगे। तो इसी तरह फिर ये सारा खाना का था, जब खाना टेबल पर गरम गरम सर्व किया जाता है ना, तब उसकी लुक और खाने का मज़ा ही और होता है। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि साथ साथ जो है ना हम गरम गरम ही खाना सर्व कर दें। अच्छा, मैं यहाँ पर ये आलू गोश्त का सालन बनाया तो फिर देखा तो जो है धनिया ख़त्म था, तो फिर धनिया के बगैर ही मैंने फिर इसको सर्व कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर डाइनिंग टेबल पर लगाया। टेबल पर जब लगाया तो साथ साथ बर्तन लगाने शुरू किए, और सब ज़ाहिर है फिर खाना खाने में मसरूफ़ थे। तो ज़ाहिर है जब खाना सब मिल के बैठ के खाते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बरकत भी डालती है और मोहब्बत भी डालती है। तो हम सब ने बैठ के इंजॉय किया, खूब मज़े से खाना खाया, तो और फिर उस रब का शुक्र अदा किया जिसने इतनी नेमतें नवाजी, और रब का शुक्र अदा किया कि हम सब मिल के बैठ के सलूक इतफाक के साथ इकट्ठे बैठे थे। अच्छा, उसके बाद फिर बच्चे चले गए, ज़ाहिर है अपनी चीज़ें, ये बच्चे जो है ना ये चॉकलेट्स नहीं छोड़, इनको बस बहाना चाहिए होता है। और जब भी ये अपने बाबा के साथ जाते हैं मार्केट तो कभी कैंडीज़ और कभी चॉकलेट्स, और मतलब कुछ भी जो चॉकलेट का मिलता है ना वो ज़रूर लेके आते हैं। तो ये फिर ये सारा माल जो है ना ये लेके आए, अपना माल पूरा इकट्ठा किया। यहाँ पे कैंडी है, ये जेली कैंडी जो होती है ना, ये तो ये भी बच्चे खा तो लेते हैं, पर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इनको थोड़ा ना अवॉइड ही करूँ, ये काम ही चीज़ें आएँ, और अगर आएँ तो फिर उनको मुख्तसर ही मिले खाने को। तो अच्छा जी, इसके बाद फिर हम निकले, क्योंकि खाने में सारा कुछ था तो मीठा नहीं था, तो फिर दिल किया आइसक्रीम खाने को। तो फिर हम लोगों ने वही फरमाइश की कि भई अब हमें कुछ मीठा खिला दें, क्योंकि सब मेहमान तो जा चुके हैं, तो अब हम ही घर में हैं, तो आप हमें ले जाएं। और इन्होंने भी बात मान ली हमारी, और हम लोग सारे मिल के निकले बाहर इंजॉय करते, क्योंकि आजकल वैसे भी छुट्टियाँ हैं और लास्ट छुट्टी थी। तो बस यही था कि इसके बाद फिर स्कूल ओपन हो जाएंगे और ऑफिस खुल जाएंगे, तो अब एक दिन तो बाहर का बनता है, तो आप ले के चलें। तो हम लोग फिर बाहर आ गए, तो सब भी इंजॉय करते हुए खुश खुश के आज आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम डे है हमारा। तो उसके बाद फिर जब हम यहाँ पर आए और वहाँ पे आइसक्रीम, और यहाँ पर ये फ्लावर वाला भी आ गया ना, तो फिर बड़ा ही दिल किया कि फ़्लावर भी होने चाहिए। तो फिर फरमाइशी ये हमने फ़्लावर भी ले लिए, और फिर ये हमने फ़्लावर भी पहने, तो ये भी एक मोहब्बत का इजहार होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो
तो यहाँ फिर हमारी आइसक्रीम भी आ गई और सब मिलके हम पहले आइसक्रीम को एंजॉय करेंगे फिर फ्लावर्स की तरफ होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, किसी ने कप मंगवा लिया, किसी ने कॉन मंगवा ली, और जिसको जैसे दिल किया उसने एंजॉय किया। तो यहाँ पर हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, सभी गाड़ी में गुत्थम गुत्था हुए हुए और यहाँ पर ये फ्लावर्स की बारी आ गई। तो आज का व्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।